यूपीएससी एक ऐसा बोर्ड जिसे सुनते ही पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगती है। यूपीएससी कोई बच्चों का खेल नहीं जिसे हर कोई खेल ले। ये एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए इंसान के अंदर जिगरा होनी चाहिए। दोस्त, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग नहीं लगाई तो बेशक से इस वीडियो को डिसलाइक मार देना। ऐश्वर्या स्योरान, जो कि 2016 में मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, मॉडलिंग की दुनिया में रहकर यूपीएससी क्रैक करना कोई आम बात नहीं। जहां लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, वहां इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में होने के बावजूद भी सिर्फ 10 महीने की पढ़ाई कर यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। आखिर वो कौन सी सीक्रेट है जो इन्हें मॉडलिंग की दुनिया में होने के बावजूद भी यूपीएससी में सफल बनाई? एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि वो जानती थी कि यूपीएससी क्रैक करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए उन्होंने इसकी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया यानी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सबसे दूरी बनाई। यहाँ तक कि वे अपने फोन को भी हाथ नहीं लगाती थी। दोस्त, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िए से कैसे बनी आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जब तक आप अपने जीवन में कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते, तब तक आप कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि वो बंदी जिसका लाइफ ही सोशल मीडिया है, वो उससे दूर कैसे रह सकती है? परंतु जब बात जिद पर आ जाती है ना, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। अरे, किस्मत के आने का इंतजार तो सिर्फ वो लोग करते हैं जो यमराज के आने से डरते हैं। अरे, यमराज भी उनसे डरते हैं जो लोग जिद्दी होते हैं। जिद में इतनी ताकत होती है कि वो नामुमकिन लगने वाले कार्य को भी मुमकिन बना देती है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। अपने जिद के बल पर ही दशरथ मांझी ने 55 किलोमीटर का विशाल पहाड़ सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से तोड़ डाला। अपने जिद के बल पर ही एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बावजूद भी बल्ब का आविष्कार किया। अरे, अपने जिद के बल पर ही एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला बंदा भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, जिसे आज पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। और कलाम साहब कहा करते थे, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज खुद से यह कमिटमेंट करो कि आईएएस बनना है तो बनना है। दुनिया का क्या है, आज ठोकर मारती है, कल सैल्यूट मारेगी।